मैं हूं बबली और आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद है गुरुकुल के मेंटरशिप हेड प्रवीण सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास डिस्कशन में। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी किस उम्र में करना शुरू करें, जब हम ट्वेल्थ कर लेते हैं तब करें या फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं तब करें। तो आज हमारा यही टॉपिक होगा, आज हम इसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सर यूपीएससी के लिए स्टूडेंट को किस उम्र में तैयारी करना सही होता है? देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, उसके लिए जो मिनिमम एज यूपीएससी ने डिसाइड की है वो है 21 इयर्स, और आपको तैयारी के लिए कम से कम एक से डेढ़ वर्ष का समय चाहिए होता है। तो आप 18-19 की उम्र में तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि आप एक डेढ़ साल में अच्छे से तैयारी कर पाए, और जैसे ही आप एज के हिसाब से क्वालिफाई हो जाए एग्जाम क्लियर करने के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम देने के बाद जैसे कि किन बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि बच्चा आईएएस बन रहा है या आईपीएस ऑफिसर बन रहा है? देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है वो तीन चरणों में दिया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जब ये बच्चा तीनों एग्जाम्स क्लियर कर लेता है तब उसकी फाइनल मार्क्स बेसिस पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट पे उसके बाद जो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब वैकेंसीज जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे, और तीसरी चीज होता है जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं उस समय आप अपना एक प्रायोरिटी लिस्ट डालते हैं कि आपको किस सर्विसेज में जाना है। तो इन तीनों के बेसिस पे फाइनली ये डिसाइड होता है कि स्टूडेंट आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या अन्य सर्विसेज में जाएगा। यूपीएससी की परीक्षा कब कब होती है? देखिए यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन है वो तीन स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की परीक्षा जो होती है वो वैकल्पिक परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन मई या जून के मंथ में होता है। ठीक है, एक ही दिन पेपर होता है, संडे के दिन मॉर्निंग शिफ्ट में जनरल स्टडीज का पेपर, इवनिंग शिफ्ट में सीएसएटी का पेपर जिसे हम सीसेट कहते हैं वो पेपर होता है। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उनका होता है मेंस एग्जामिनेशन, और ये मेंस एग्जामिनेशन सेप्टेम्बर और अक्टूबर मंथ में होता है। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं और ये 9 पेपर्स सब्जेक्टिव होते हैं, मींस आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ये सितंबर या अक्टूबर में होता है, और जो बच्चे मींस क्लियर कर लेते हैं फिर उनके इंटरव्यू होते हैं नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है अप्रैल या मई, मतलब जो अगले साल का प्रीलिम्स होना है उसके पहले। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ये एक वर्ष चलती है। अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि आईएएस को के पास ज़्यादा पावर होती है या आईपीएस के पास ज़्यादा पावर होती है? जी देखिए पावर दोनों के पास सेम है, क्योंकि दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, एक पुलिस सर्विसेज है। ओनली डिफरेंस इज जो आईएएस होता है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही इज द इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ आईपीएस ऑफिसर। That is the only difference. और मैं यदि ये कहूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट में आईएएस और आईपीएस दोनों इक्वल फुटिंग पे होते हैं बट फर्स्ट आईएएस होता है तो ये गलत नहीं होगा। तो अक्सर बच्चों को इसकी तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए, अपने 12th कंप्लीट करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट होने पर या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद? देखिए मैं कहूँगा कि जो जिस तरीके से एग्जाम अब यूपीएससी ले रहा है थोड़ा थोड़ा स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक होते जा रहा है, जो हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टैटिको डायनेमिक हो चुका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। तो जब ये पेपर डायनेमिक हो गया है तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी डायनेमिक रखनी होगी, और इस डायनेमिक प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ग्रेजुएशन के बाद का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो है बट वो ऑप्शन बहुत ही मेहनत वाला है। तो मेरा सजेशन ये होगा स्टूडेंट्स को कि आप 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप बच्चों को जब तैयारी करते हैं बच्चे यूपीएससी की, तो बच्चे नोट्स पढ़ के भी तैयारी करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो अच्छी बुक्स मतलब और कौन से मीडियम से बच्चे अगर तैयारी करें तो ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा? देखिए यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, मीडियम इज नॉट अ बैरियर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो, और जो आप अपना आंसर्स लिख रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में या आप इंटरव्यू दे रहे हैं
वो आप अपना बेस्ट दें। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं उसके बाद भी आप अगर इंग्लिश मीडियम चूज कर लेते हैं तो आप बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे, बेहतर तरीके से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, और जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बेहतर यही है, मीडियम इज जस्ट अ मैकेनिज्म, इंग्लिश हो हिंदी हो, ठीक है, दोनों ही मीडियम में सफलता के बराबर चांसेस होते हैं। सर, IAS और IPS दोनों की ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है बच्चों को? देखिए, IAS ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है, जिसे फेमसली लबासना कहा जाता है, ठीक है। और जो IPS ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो कि हैदराबाद में है वहाँ होती है। तो दोनों की ट्रेनिंग का मैकेनिज्म अलग होता है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है और IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मसूरी में होती है। सर, यही था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का डिस्कशन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, उन्हें बहुत कुछ उनके डाउट्स क्लियर होंगे। धन्यवाद।